कानपुर के कल्याणपुर इलाके में बनी नवशील धाम टाउनशिप में रहने वाली बच्ची का शव पास की झाड़ियों से मिला है। बच्चे के पिता अरविंद का शव आईटीआई में इंस्ट्रक्टर पद पर कार्यरत हैं और इसे टाउनशिप में रहते हैं। बीती शाम अरविंद की 2.5 साल की बेटी माही घर के बाहर खेलते समय अचानक गायब हो गई। खोजबीन के दौरान बच्चे का शव पास की झाड़ियों से मिला है। बच्चे के शरीर पर जंगली जानवर के कांटे के निशान हैं। माना जा रहा है कि बच्ची को किसी जानवर ने मारा है। बच्चे के पिता ने बताया कि अगर टाउनशिप के चारों ओर बाउंड्री वॉल होती तो शायद ये घटना नहीं होती। परिजनों ने बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 8 बजे के लगभग यही बाहर खेल रही थी बच्ची, तो हम लोग अंदर थे। जब तो बाहर देखा कि बाहर बुला रहे थे तो आवाज नहीं थी, तो बाहर देखे तब तक वो यहाँ से गायब हो गई। तो इधर उधर जो अगल बगल में देखा तो कहीं मिली नहीं। थोड़ी देर बाद देखा, इधर उधर देखा तो खेतों में पड़ी पाई गई। वो जंगली जानवर नहीं लगता, जंगली एरिया जो है कैसे आ गया वो? ये बाउंड्री चारों तरफ से बाउंड्री खुली, बाउंड्री कहीं पे बंदी नहीं हुई है, बिल्डर ने कराई ही नहीं बिल्कुल है। इतना लापरवाह, कई बार हम लोग लिखित में भी दे चुके, मौखिक भी बोल चुके, लेकिन सुनाई सुनवाई नहीं करता है बिल्कुल।